नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर। आज हम जानेंगे भारत के सबसे हॉन्टेड टेंपल्स के बारे में, जहां की कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत एक प्राचीन संस्कृति और धर्मों का देश है, जहां हर मंदिर के पीछे एक कहानी छुपी होती है। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनकी कहानियां केवल रहस्यमयी ही नहीं बल्कि स्केरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये एडवेंचरस यात्रा। झारखंड के रांची में स्थित कल्याणेश्वर महादेव मंदिर को यहां की लोकल पीपल एक हॉन्टेड टेंपल मानते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने वालों को कभी कभी अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यहां पर कई बार लोगों ने अनजानी वॉइसेस सुनी है और अजीबोगरीब शैडोज देखी है। ओडिशा के जगतपति मंदिर की गिनती भी भारत के सबसे हॉन्टेड टेंपल्स में होती है। इस मंदिर में कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय यहां स्पिरिट्स का अनुभव किया है। कहा जाता है कि मंदिर के आसपास का एरिया रात में पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है और अजीब घटनाएं घटित होती हैं। असम में स्थित कामाख्या देवी मंदिर तंत्र साधना के लिए फेमस है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां पर कई तांत्रिक रिचुअल्स किए जाते हैं और यहां पर आत्माओं का वास है। कई साधकों ने यहां पर अजीब और डरावने एक्सपीरियंसेस किए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित भूतनाथ मंदिर की कहानी भी बहुत रहस्यमयी है। इस मंदिर में रात के समय जाना मना है, क्योंकि यहां पर लोगों ने अजीब घटनाओं और अनजानी शक्तियों का अनुभव किया है। यह मंदिर भूतनाथ यानी भूतों के देवता को डेडिकेटेड है। कर्नाटक के मंदिर तलहा की कहानी भी बेहद स्केरी है। इस मंदिर में आने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने यहां पर अजीब वॉइसेस सुनी हैं और अदृश्य शक्तियों का अनुभव किया है। यह मंदिर दूर दूर तक अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए फेमस है। बिहार के बोधगया में स्थित धर्मराज मंदिर एक रहस्यमयी स्थान है। कहा जाता है कि इस मंदिर में रात के समय अदृश्य शक्तियों का वास होता है। यहां पर लोकल लोग बताते हैं कि उन्होंने मंदिर के आसपास अजीब आवाजें और शैडोज देखी हैं। गोवा के बेताल मंदिर को भी हॉन्टेड माना जाता है। इस मंदिर में बेताल देवता की पूजा की जाती है, जिन्हें मृत्यु के देवता माना जाता है। लोकल लोग कहते हैं कि यहां पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं और रात के समय यहां जाना मना है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां पर शनि देवता का निवास है और उनकी एंग्री नजरों से बचने के लिए यहां पर लोग पूजा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर रात में अनजानी शक्तियों का अनुभव होता है। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित भूतनाथ महादेव मंदिर भी एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में रात के समय भूत प्रेतों का वास होता है और यहां पर कई लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए भी फेमस है। कहा जाता है कि यहां के गर्भगृह में अनजानी शक्तियों का वास है और रात के समय यहां पर अजीब घटनाएं होती हैं। कर्नाटक का माधेश्वरन मंदिर बहुत ही मिस्टीरियस माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में बहुत से साधुओं ने भूत देखे हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस मंदिर में इनविजिबल पावर्स रहती हैं, जो रात को जाग जाती हैं। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में जो निधिवन मंदिर है, उसकी कहानी भी बहुत ही मिस्टीरियस है। यहाँ पर कहते हैं कि रात को भगवान कृष्ण और राधा रास रचाते हैं और जो भी ये देखने की कोशिश करता है वो पागल हो जाता है या मर जाता है, इसलिए इस मंदिर को रात में बंद कर देते हैं।
तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर को भी भूतिया मंदिर मानते हैं। इस मंदिर में कहते हैं कि कई बार लोगों ने यहाँ इनविजिबल पावर्स को फील किया है। रात के समय यहाँ पर अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं। राजस्थान के मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर भी भूतिया माना जाता है। यहाँ पर लोग अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाने आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर रात को आत्माएं रहती हैं। यहाँ पर बहुत लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। गुवाहाटी के नवग्रह मंदिर को भी रहस्यमयी मानते हैं। यहाँ पर लोग अपनी कुंडली के ग्रहों को शांत करने आते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ पर रात को आत्माएं रहती हैं और अजीब घटनाएं होती हैं। असम का माजुली सत्र भी रहस्यमयी और भूतिया माना जाता है। यहाँ के सत्रों में बहुत से साधुओं ने आत्माओं को फील किया है। यह स्थान अपनी तांत्रिक साधनाओं के लिए फेमस है और यहाँ पर रात के समय इनविजिबल पावर्स रहती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ और हॉन्टेड टेम्पल्स जिनकी कहानियां आपको डराने के लिए काफी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसी इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए ला सकें। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ अपने इस रिलीजन मिस्ट्री चैनल पर।